क्योंकि यूजुअली ना वीकडेज क्वाइट चलते हैं, तो इट्स बेटर अगर हम और फिर 20 ट्रिप्स करके 90 कि भाई इतनी किसाई करके फोकट में रेंट देने से. फाइनली दिस क्वेस्ट इज डन, अब नई क्वेस्ट आ चुकी है कंप्लीट. 3 मोर ट्रिप्स स्टॉप करना बेटर है या फिर उबर करना. सो आई विल क्विकली, वहां पे ज्यादा ऑर्डर्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी. जो हमें लास्ट ऑर्डर से मिली है विच इज $76, दैट्स सो कूल. What's up? Welcome back to my channel. I hope you all are good and keeping safe. आज है ट्यूजडे, टुडे इज अ वीक डे और हम लोग जा रहे हैं ऊबर ईट्स करने के लिए. ये भी अपनी नील परी मस्त एकदम जाके इस पर ऊबर ईट्स करेंगे और ये ऊबर ईट्स वाली वीडियो अगेन इंटरेस्टिंग होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी. मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड क्योंकि हम आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताएंगे कि कैसे वीक डेज पर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो ऊबर ईट्स करके. लेट्स गो. Guys, wait. Do not skip. I want to talk to you guys about something important and trust me, this is for your benefit. तो यार देखो, जब भी हम एज अ स्टूडेंट माइग्रेट करना चाहते हैं एक नई कंट्री में, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न ऑब्वियसली एकोमोडेशन होता है, क्योंकि भाई सारी बातें बाद में, सबसे पहले हमें अपने सर के ऊपर छत चाहिए, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी आर बुकिंग एन एकोमोडेशन, इट ऑब्वियसली इज कॉस्ट फ्रेंडली, इट शुड बी ईजी टू फाइंड एंड वी जस्ट हैव टू जगल बिटवीन सो मेनी थिंग्स. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट्स फ्रॉम अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, राइट? एंड दैट इज एम्बर. येस गाइज, एम्बर इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो अपनी डिमांड्स के हिसाब से. मतलब उसमें सारे फिल्टर्स होते हैं भाई. आपको एक कॉस्ट फ्रेंडली अकोमोडेशन चाहिए, आपको ऐसी अकोमोडेशन चाहिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास हो या फिर आपके वर्क प्लेस के पास हो. यू कैन अप्लाई ऑल द फिल्टर्स एंड देन यू कैन फाइंड एन अकोमोडेशन एज पर योर चॉइस. एंड इट्स अ वेरी हसल फ्री प्रोसेस विच इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है कि हम उसी में सारा टाइम इन्वेस्ट कर दें, तो वो सही है भाई, टाइम सेविंग है. कोई स्यापा नहीं है, आप फॉर्म फिल करोगे, समबडी विल क्विकली गेट इन टच विद यू. क्योंकि हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं यार, चाहे घर वालों के पेरेंट्स के वैसे हो चाहे हमारे हो, स्कैम में फंसना तो सही नहीं. तो गाइज, एम्बर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है UK, US एंड ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में. और जब मैं बोलती हूँ भाई की ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आई से दिस बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव बुक देयर अकोमोडेशन थ्रू एम्बर और उनसे बहुत पॉजिटिव फीडबैक सुनने को मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग. प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अगर आप एम्बर से अकोमोडेशन बुक करते हो तो जो आपको पिक्चर्स में दिखती है ना प्रॉपर्टीज़, वही सेम एज इट इज़ होती हैं, कोई स्यापे वाली बात नहीं है. और ऊपर से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं, दे आर एट लाइक वेरी ग्रेट लोकेशंस, लोकेशन अच्छी होगी प्लस फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं. सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और अगर आपको एकोमोडेशन बुक करनी है तो आप एम्बर के थ्रू कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, हम जा रहे हैं ऊबर ईट्स करने के लिए, पर मैं आपको मिलवा रही थी शानू से. हाय एवरीवन, कैसे हो तुम? बढ़िया. तो फिर हम यूनिवर्सिटी आए थे 2 मिनट ऐसे काम करने के लिए, तो मैंने कहा आपको लाट्रोब यूनिवर्सिटी भी दिखा देंगे और फिर उसके बाद ऊबर ईट्स करने निकल लेंगे. चलो थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी देख लेते हैं. राइट गाइज, हेयर वी आर अपना फर्स्ट ऑर्डर पिक करने के लिए और ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लिकर लैंड किंग्सबरी से. इसको उठाते हैं और चलो फिर इसको डिलीवर करेंगे. दैट्स द फर्स्ट ऑर्डर फॉर द डे. सो दिस ऑर्डर वॉज जस्ट 2-3 kilometers फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. ये वाला ऑर्डर डिलीवर करके हम लोग सोच रहे हैं कि हम किसी बिजी जगह पे जाएं, क्योंकि यूजुअली ना वीकडेज क्वाइट चलते हैं, तो इट्स बेटर अगर हम किसी बिजी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स आने की प्रॉबिबिलिटी होगी. और ये उठा लिया शानू ने ऑर्डर. After delivering the first order, हम लोग अब जा रहे हैं ग्रीन्सबरो, क्योंकि शानू को ग्रीन्सबरो से क्वेस्ट आई है. तो इसमें ये सीन है कि अगर आप कुछ एक ट्रिप्स कंप्लीट करोगे तो पहले $30 मिलेंगे, फिर कुछ एक कंप्लीट करने में फिर से $30 मिलेंगे और लास्ट में जब आप इन टोटल आई गेस 20 ट्रिप्स कंप्लीट कर लोगे तो उसके आपको $90 मिलेंगे. तो इन टोटल इट विल सम अप टू अराउंड $150, 30, 30 एंड 90.
तो फिर अभी चलते हैं और मैं आप लोगों को क्वेस्ट भी दिखा देती हूँ, और प्रॉबेबली फिर हम ग्रीन्सबरो में ही करेंगे उबर, ताकि वो क्वेस्ट पूरी हो सके, क्योंकि क्वेस्ट का ये सीन होता है कि दो तीन दिन की ड्यूरेशन की होती है, तो वो सारा मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये आ चुका है हमें सेकंड ऑर्डर लिकरलैंड ग्रीन्सबरो, और ये हम इधर ग्रीन्सबरो में पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ से उठाते हैं अपना सेकंड ऑर्डर। एंड गाइस दिस इज द क्वेस्ट दैट वी हैव गॉट, तो इसमें देखो यही है कि तीन ट्रिप्स करेंगे तो $9, फिर तीन ट्रिप्स करेंगे तो 11, अच्छा फिर उसके बाद 10 ट्रिप्स करेंगे तो $30, और फिर 20 ट्रिप्स करके 90, तो ये इन टोटल हमको 150 के आसपास मिल जाएंगे। ये देखो डिटेल्स भी लिखी हुई है यहाँ से कि ट्रिप्स मस्ट बिगिन इन द ग्रीन्सबरो प्रमोशनल जोन एज शोन ऑन द ड्राइवर मैप ड्यूरिंग द क्वेस्ट, दिस ऑफर ओनली अप्लाइज टू द कंप्लीटेड ट्रिप्स। तो फिर भाई डिटेल जरूर पढ़ लेना जब भी उबर करोगे। थैंक यू, आई विल टेक द। तो गाइज एज ऑलवेज शानू ने दारू का ऑर्डर उठा लिया, ये रहा अपने पास। अभी हम इसको डिलीवर करेंगे, होपफुली ग्रीन्सबरो से आज सारे ऑर्डर तो सही है, वैसे तो आ नहीं रहे, बड़ी देर में आया ये वाला अभी। तो ये है भाई 3 मिनट्स दूर, 1.7 किलोमीटर्स, और जल्दी से इसको डिलीवर कर देते हैं, अगेन बहुत ही पास का ऑर्डर है। ओके सो द थिंग विद एल्कोहल ऑर्डर्स इज दैट यू हैव टू वेरीफाई द आईडी एंड एवरीथिंग, तो एक बार जब आप डिलीवर करने जाते हो उसके बाद आप कस्टमर का आईडी प्रूफ लेते हो और उसकी आपको वेरिफिकेशन करनी होती है, क्योंकि ये दारू वाला ऑर्डर है। तो मैं थोड़ा पीछे ही खड़ी हूँ, शानू जाके मीट एट डोर है वो, तो फिर शानू जाके डिलीवर कर देगा वो, देखो वो जा रहा है एंड देन वो आईडी वगैरह का प्रूफ ले लेगा और वो उसका आईडी प्रूफ ले लेगा। तो गाइस सिंस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रिप ऑफ द क्वेस्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 1 out of 3 इज कंप्लीटेड, सो द फर्स्ट ट्रिप इज कंप्लीटेड, और यहाँ पे एरिया भी बना है कि ऑस्ट्रेलियन $50 फॉर 16 क्वालिफाइड ट्रिप्स, $50 क्यों लिखा है, 16 के लिए ना, हाँ तो 16 के लिए $50 है। तो फिर अभी तो एक ही ट्रिप हुई है, उसके बाद जैसे जैसे ट्रिप करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्वेस्ट के पैसे मिलते जाएंगे। इसमें ये सीन होता है कि क्वेस्ट के पैसे भी मिलते रहते हैं और साथ के साथ ऑर्डर के पैसे भी मिलते रहते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे आपने 3-4 ट्रिप्स कर ली फिर थोड़े बहुत डॉलर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड बेनिफिट, क्योंकि उबर तो करनी है एक जगह, करने की जगह एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कर लो जहाँ पे क्वेस्ट चल रही है, दैट्स आवर सजेशन। सो दैट्स द अमाउंट दैट वी हैव अर्न फॉर 2 ट्रिप्स, $24, 2 ट्रिप्स कंप्लीटेड टुडे, और ये इधर लिखा रहा है कंप्लीट 2 more trips टू मेक एक्स्ट्रा $9। एंड वेन यू आर डूइंग उबर ऑलवेज मेक श्योर, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना नीचे फाइंडिंग ट्रिप्स, सो ऑलवेज मेक श्योर यू आर ऑनलाइन, कई बार इंसान ऑफलाइन होता है और वो अनजान होता है इस चीज़ से, तो ऑनलाइन रहने का, हम लोग नहीं है वो, बट स्टिल। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर ब्रो? नेक्स्ट ऑर्डर इज फ्रॉम मैक्सिकन रेस्टोरेंट। मैक्सिकन रेस्टोरेंट, क्या ऑर्डर? नेक्स्ट ऑर्डर सालसा, मैक्सिकन रेस्टोरेंट। मैक्सिकन रेस्टोरेंट कि Fifteen minutes कड़ी मेहनत से ढूंढने के बाद हमें मिल पाया है भाई, बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे, ये रहा सालसाज, तो यहाँ से शानू ऑर्डर पिक कर लेगा। सन्नाटा भी बहुत है। थैंक यू। So we'll deliver this order now. This is leave at door. तो इसको जल्दी से छोड़ देते हैं, उसके बाद अगला ऑर्डर लेने जाएंगे, आज तो दिन का टाइम हो चुका है और काफ़ी कम से ऑर्डर्स हुए हैं हमारे, फटफट इसको डिलीवर कर देंगे। So guys, that's the next order that we have got. 3 मिनट इधर ही खड़े हैं वैसे तो हम ग्रीन्सबरो में ही, और ये वूलवर्थ से है भाई, तो वूलवर्थ से पहले चक्के हम वूलवर्थ चल के हम पहले ऑर्डर उठा लेते हैं। Also guys, I get a lot of questions कि जॉब करना बेटर है या फिर उबर करना, so I'll quickly tell कि यार देखो, अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप जॉब नहीं कर सकते, भाई धूप भी बहुत लग रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप जॉब नहीं कर सकते और आपको जॉब करना पसंद नहीं है एंड उबर इज़ द बेस्ट, तो फिर सही है, उबर में इंडिपेंडेंट होता है बंदा, अपने हिसाब से अपने मन से कर सकता है, जितनी देर करनी हो जैसे भी करनी हो, वो उबर का एक एडवांटेज है। बट द थिंग इज़ कि उबर अगर आप गाड़ी में करते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतनी किसाई करके फोकट में रेंट देने से अच्छा जॉब ही कर लो, तो मेरी पर्सनल चॉइस उबर के कंपेरिजन में जॉब होती है। बट जैसे शानू है या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग उबर करना ही प्रेफर करते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इफ़ यू आर ओके पेइंग द रेंट देन यू कैन गो हेड विद उबर, अदरवाइज देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, जॉब भी कर सकते हो। बट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग उबर एज कम्पेयर टू जॉब इज दैट यार देखो, जॉब पे शिफ्ट मिलने का सीन होता है ना, शिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी देर की मिलेगी, क्या मिलेगी, पर
ऊबर का ये सीन होता है कि अगर आपको 12 घंटे करनी है तो आप 12 घंटे कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऊबर का। ओके सो वी आर हेयर एट वूलवर्थ, आई थिंक ये हमारा तीसरा ऑर्डर है और इसके बाद हमारी पहली क्वेस्ट पूरी हो जाएगी। और क्योंकि शानू के साथ ऊबर करते करते मुझे भूख लग गया, तो फिर अब शानू मेरे लिए चिप्स ढूंढ रहा है, वो मुझे चिप्स खिलाएगा ताकि मैं बीच में से भाग के घर ना जाऊँ और ऊबर में इसके साथ बनी रहूँ। तो अभी इधर से हम कुछ चिप्स विप्स ले लेते हैं, वैसे भी 3 बज गए, इतनी देर से हम निकले हुए हैं, थोड़ी भूख भूख लग चुकी है गाइस। अब हमें ऊबर करते करते आप लोग चिप्स वगैरह खा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। कौन सा है ये बेटा? स्पाइसी स्पाइसी चिकन? नो चिकन ब्रो, वेज चाहिए। अरे ये वाला ट्राई किया तूने? ओके सो वी हैव डिसाइडेड हम ले रहे हैं मैक्सिकाना डोरिटोस, मैक्सिकाना ही है ना। और साथ में शानू ने टिप उठाई है, टिप दिखा। और ये वूलवर्थ की है भाई, यहाँ पे ये देखो वूलवर्थ की। हमारे पास इसकी भी थी डोरिटोस वाली, पर हमने सोचा वूलवर्थ वाली ट्राई कर लेते हैं, वैसे भी ये सस्ती है गाइस, $8 वी आर सेविंग। नहीं जस्ट किडिंग, वी वांट टू ट्राई दिस वन बिकॉज दैट वन वी हैव ऑलरेडी ट्राइड। तुम पूरा डब्बा लेके जा रहे हो डोरिटोस? ये वक्त वाले तो पार्टी है भाई। वो कितने का है? कितने बड़े पार्टी करनी है? तो गाइस ये है हमारा ऑर्डर, जल्दी से हम इसको लोड कर देंगे डिक्की में और फिर इसको जाके दे आएंगे। मैं भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, मैं भी आई हूँ ना। ये ले ब्रो। बैच सीट ये तो हमारा है। इसी के साथ साथ गाइज हमने ये चॉकलेट भी ले लिया और ये मैंने आज ही डिस्कवर करी भाई, ये वाली चॉकलेट आई है जिसमें से छोटे छोटे क्यूब्स हैं। ओके सो वी आर डिलीवरिंग दिस ऑर्डर, उसके बाद जब पहली क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी तक कितनी अर्निंग हुई है, टोटल कितनी ट्रिप्स हो गई हैं। प्रॉबेबली 4 ट्रिप्स होंगी, एक हमने पहले कर दी और ये क्वेस्ट वाली 3 ट्रिप्स हो जाएंगी, इसके बाद दिखाती हूँ अर्निंग क्या हुई है। पहले वाला डिलीवर कर दें। सो गाइज फाइनली दिस क्वेस्ट इज डन, अब नई क्वेस्ट आ चुकी है कम्प्लीट, 3 मोर ट्रिप्स टू मेक एक्स्ट्रा $11। ये वाली क्वेस्ट कम्प्लीट हो गया, देखो 4 ट्रिप्स कम्प्लीट हुई हैं, $65 अभी तक अर्न किए हैं और 4 ट्रिप्स कम्प्लीट होने पर हमको क्वेस्ट के भी $9 मिल गए एक्स्ट्रा। ये देखो टुडे एट 258 डिलीवरी 1 पॉइंट, लास्ट ट्रिप के $17 मिला। और ये गाइज क्वेस्ट की भी डिटेल्स हैं जस्ट इन केस, आई विल जस्ट शो यू गेट अ 9 एक्स्ट्रा डॉलर्स By completing 3 trips, आ गया ये trips must be completed, ऐसा वैसा ये सारी वो details हैं। अब हम 3 और complete करके कमाएंगे $11। वैसे सबसे अच्छी तो last वाली होती है यार, और ये अच्छे जो पैसे रखते हैं वो last वाली पे रखते हैं, last quest पे। So guys, we have got our next order one more time, दारू it is। तो ये है 5th order, इसको जा रहे हैं अभी हम deliver करने के लिए, probably it is not far। भाई लेमन टार्ट इज़ माई फेवरेट, लेमन टार्ट बहुत ही अमेजिंग होती है, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, कैफ़े की तो बहुत टेस्टी होती थी, यहाँ की तो ओके ओके ही लग रही है, पर वैसे डेजर्ट्स बड़े सुंदर लग रहे हैं ना, टेम्पटिंग गाइस, फैट। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस ऑर्डर, दिस इज़ 1.4 किलोमीटर्स 3 मिनट, और अब मैं चला गया गाड़ी क्योंकि मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरा भाई थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बेचारा पूरा पूरा दिन गाड़ी चलाता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं चला रही हूँ। जा रहे हैं हम ये वाला ऑर्डर अभी डिलीवर करने के लिए। सो गाइज फाइनली इतनी देर के बाद हमको आ चुका है एक अच्छा ऑर्डर विच इज़ पैक एंड डिलीवर, और भाई उसमें 37 आइटम्स है, लिटरली बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, तो फिर 37 आइटम्स पैक करके अपन लोगों को करनी है डिलीवर। हम लोग जा रहे हैं, अभी पहुँच चुके हैं मॉल में, यहाँ से जाएंगे और चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और हम मतलब आपको सरप्राइज देंगे कि वो कितने का ऑर्डर। यस ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि पैसे कितने मिलेंगे बाद में। अब हम यहाँ कोल्स में शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ हमने कुछ एक आइटम्स अभी ले लिए हैं, ठीक है। सो दीज आर द आइटम्स दैट वी हैव ऑलरेडी बॉट, इसमें से एक चीज़ हमने स्कैन नहीं करी है आपको दिखाने के लिए, क्या स्कैन नहीं किया था ब्रो? ब्रेड है ना, तो फिर ब्रेड को जैसे हमें स्कैन करना है, तो ये देखो ये है बारकोड,
और यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाली ब्रेड, तो इट शुड बी द सेम. ये देखो यहाँ पे ये सेम है ना, वंडर की वाइट ब्रेड फुल सैंडविच. तो फिर सैंडविच वाइट ब्रेड. तो अब शानू स्कैन करेगा, ये देखो अब स्कैन होगी. तो फिर दैट इज़ द आइटम फाउंड. अब ये वाली बाकी चीज़ें हमको लेनी है, बाकी चीज़ें ढूंढनी है. और ये जो ऊपर टिक, ये देखो काफ़ी सारी आइटम्स, और ये जो ऊपर टिक बना हुआ है ना, 7 आइटम्स, दीज आर द आइटम्स दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड. तो ये सारी चीज़ें हम देखो, एप्पल्स हैं, कैरेट है, पीज है, ये सब इधर है, एप्पल्स, कैरेट, पीज, क्यूकम्बर्स, कुकीज. सो दिस इज़ ऑल डन. फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग जो हमने ढूंढी, दिस इज़ कस्टर्ड टार्ट्स. और आपको ना वो भी देखनी होती है क्वान्टिटी, जैसे ये 360 ग्राम्स की है ना, 6 का पैक. तो फिर अब इसको भी स्कैन कर ले ब्रो. स्कैन कर लिया तो फिर हो गया. और बस ऐसे ऐसे करके बाकी सारी आइटम्स कलेक्ट करनी है. ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स यू गेट पेड. इफ़ इट्स लाइक वेरी फ्यू आइटम्स, 5 से 10 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, तो बहुत कम पैसे मिलते हैं. पर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, 30-40 आइटम्स हैं या फिर 20-30 आइटम्स हैं, तो फिर थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं. इसके हम आपको दिखा देंगे लास्ट में, स्टे ट्यून्ड. राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर एप्पल जूस, और शानू दूसरी जगह गया है कुछ और ढूंढने के लिए, क्योंकि इतनी सारी आइटम्स है. सो वी विल लाइक हाफ हाफ करके ढूंढ लेते हैं. तो फिर अब मुझे बस एप्पल जूस देखना है और थोड़ी बहुत और ही आइटम्स बची है. पर भाई इतनी देर से देख रहे हैं हम, मतलब इतनी सारी आइटम्स से टाइम लग गया. बट ऑल्सो बिकॉज हम दो लोग हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है. तो अगर आप अकेले हो तो डोंट वरी, आराम आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है. One eternity later. भाई इतनी देर लग गई शॉपिंग करने में, अंधेरा हो चुका है पूरा. और आ गए हम ये पूरा सामान लेकर. डिक्की ऑलरेडी खुली हुई है शानू तेज रफ्तार में, और सारे सामान को हम डाल देंगे अंदर. ओके गाइस, अंधेरा हो चुका है बहुत ही ज्यादा, मतलब अंधी हो गई हूँ मैं फ्लैश लाइट से. तो एनीवेज हम लोग जा रहे हैं ये वाला ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, और थोड़ा अंधेरा और बहुत सारे बैग्स हैं. मैं हल्के वाले उठाऊंगी, थोड़ा गिर सा गया एक तो. उठा लोगे तुम तीन? रुक जाओ मैं बंद कर देती. हाँ यही है 24, लिखा नहीं है भाई कहीं पे 24. अब तो अंधेरे में इतनी दिक्कत हो रही है घर ढूंढने में. लिखा है ये देख 24, 2 है. ठीक है, भारी नहीं हो गया तुम्हारे पास बैग्स बहुत ज़्यादा? मैंने तो ब्लॉगिंग के चक्कर में एक ही बैग उठाया. मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ के जा चुकी है, कुछ खा लेता है. ओके गाइस, द अंधेरा इज क्लियरली जस्टिफाइड. मैंने अभी देखा एक्चुअली 6:30 बज चुके हैं, इट्स एग्जैक्टली 6:35. तो अभी तक तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो ही जाता है. वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समर्स, क्योंकि भाई गर्मियों में मस्त पता है 9 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता, इतना मज़ा आता है ना. अभी तो 5:30-6 बजे तक टाइटाई फिस. तो गाइज अब मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि हमें इस ऑर्डर के कितने पैसे मिले हैं. भाई मस्त, यू वॉन्ट बिलीव. सो गाइज दैट इज द अमाउंट जो हमें लास्ट ऑर्डर से मिली है, विच इज $76. दैट्स सो कूल. ये देखो इधर लिखा हुआ भी है लास्ट ट्रिप की अमाउंट $76. भाई ये इतनी सेक्सी अमाउंट है ना, मजा आया हमें. तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है. सुबह का नाश्ता किया था, और इधर हमारे साथ आ गई है मान्या. हाय मान्या, कैसी हो तुम? बढ़िया, तुम हमें तो खिला नहीं रही हो, तुमसे ही कमा रहे हैं. कैसा था तुम्हारा दिन? मेरा दिन तो बढ़िया ही होता है, तुम बताओ. बढ़िया था, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, इतनी धीरे बोल रही हो. मैं तो सोच के बोल रहा हूँ, तुम्हारा कैमरा गरीब है. तुम अच्छा कैमरा गरीब है. माइक लेके घूमूंगा आगे से, माइक लेके घूमूंगी. हाँ गरीब ब्लॉगर सोच रहा हूँ मैं, माइक खरीदने की पैसे नहीं है गाइस मेरे पास. गाइस सब्सक्राइब कर दो, इसी बात पे सब्सक्राइब करोगे वीडियो देखोगे तभी. हाँ फंड रेजिंग, नहीं नहीं फंड रेजिंग मत करो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, ताकि थोड़े बहुत मेरे पास चिमदी पैसे हैं कि मैं माइक खरीद सकूँ गाइस, माइक. सो गाइस दिस इज द अर्निंग ऑफ एन एंटायर वीक.
विच इज $1,346 जो कि मस्त है भाई, एक हफ्ते में आप इतने पैसे कमा सकते हो। और अगर मैं आपको एक दिन के दिखाना चाहूँ, मैक्सिमम अगर आप 12 आवर्स करते हो तो देखो दिस इज $226 और ये मतलब टोटल 12 आवर्स भी नहीं है, ये 11 घंटे 21 मिनट कुछ है, 16 ट्रिप्स करी गई हैं। और देखो इसमें यू कैन ईजिली मेक $226 विच आई डोंट थिंक इज़ बैड। अगर हम और भी देखें तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पूरे भाई 12 आवर्स करी गई है ऊबर एंड दिस इज़ $218। सिमिलरली $213। अब अगर कम करोगे तो इट इज़ $118। देखो इसमें सिर्फ 6 घंटे के लिए ऊबर करी है, 12 ट्रिप्स। तो ये मैंने आपको पूरा रियल एक हफ्ते का सिनेरियो दिखा दिया है। इट इज़ वेरी इजी टू मेक मनी थ्रू ऊबर ईट्स, आप खुद ही देख सकते हो एक्चुअल में। और इस टाइम पे कोई क्वेस्ट वगैरह का भी नहीं है, एक्चुअल अमाउंट है ये। All right, you guys, I'm gonna end this video right here. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये video अच्छी लगी, make sure you hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And make sure you share it with your friends जो भी ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, so that they know that Uber Eats is indeed a good option. I will see you all in my next video. Till then, take care. Lots and lots of love from Melbourne. Bye. Thank you so much for watching this video. If you like this video, make sure you share it with ending mein itni mehnat lag jati hai kya batau. Mujhe aap logo se ek zaruri baat karni hai and trust me, bus chali jaye pehle, bus jayegi tabhi to trust karwaungi. Hawai jahaz ja raha hai par awaaz hi aa rahi hai guys, dikh to raha nahi hai. Ye dekh lo yaar, andhera dekh pa rahe ho tum is dharti pe? अंधेरा देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया, और अभी सिर्फ 7 बजे हैं, ओनली 7 ओ क्लॉक। एनी वेज, गुड नाइट।